आज है 7 फेब। हम कर रहे हैं चेकआउट इस बेहतरीन जगह से। टाटा बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। तो 7 फेब, क्लियर, बादलों का नामो निशान नहीं, एकदम क्लियर। चलो फिर चलते हैं रिसेप्शन पे, चेकआउट करते हैं। ये देखो बर्फ़ जम गई, पानी डालेंगे इस पर। हीटर तो ऑन कर दिया है मैंने वैसे। ये देखो जम गई है, बाकी मैं वाइपर चला दूंगा, ठीक हो जाएगी। वो तो बहुत जल्दी हो गए सर, उसमें तो बहुत डाला था सुबह वाली में। मैं हीटर ऑन कर रखा है ना अंदर से। एक जगह पीछे डाल लेते हैं देखने के लिए हो जाएगा। हाँ 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 तो हाँ, ये पूरी जम गई है। ये देखो ये देखो, ये वैसे ओस जम काला है मैम, जैसा काला दिखता था ना, वो जम जाता चल रहा है, ज्यादा ठंड थी माइनस में था ना। ये देखो ये देखना, ये देखो हाँ पूरी जम गई यार। ओके हम लोग निकल चुके हैं, तो ये देख लो बर्फ तो थोड़ी सी हमने पिघला दी। ये रात में -3 डिग्री हो गया था, जितनी होश पड़ती सब जम गई। अभी भी देखो आगे कॉर्नर पे जम गई है, गर्म पानी डाल डाल के। अब हम जा रहे हैं हरिद्वार होते हुए जाएंगे। प्लान ये है कि हर की पौड़ी में रुकेंगे, फिर आगे जाएंगे। हर की पौड़ी जाके वहाँ गंगा जल भी लेंगे, फिर आगे जाएंगे। आज देखो मौसम कितना क्लियर है, एक भी बादल नहीं है, एकदम कड़ी धूप इस जगह पर। टेम्परेचर है भाई साहब -0.5 डिग्रीज है, पर धूप देखो कितनी शानदार, कितनी अच्छी लग रही है ना। चलो ये रास्ता हमारा पहाड़ी वाला उतरने का शुरू हो गया, और कितना अच्छा लग रहा है। ओस जमी है कहीं कहीं पे, पेड़ों पे भी ओस जम गई है। हाँ जम गई है, -0.5 है ना, -3 था रात में, हो सकता है कल बर्फ पड़ी। हाँ जी, ये जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है, बट अपने लिए थोड़ा सा। आज बर्फ के चांसेस हैं? नहीं कोई चांस नहीं, बर्फ का कोई चांस नहीं है। चंबा, चंबा होते हुए जाएंगे। वैसे यहाँ पे चंबा टनल बनी हुई है, बट उसका रास्ता मुझे पता नहीं, मैं पूछना भी भूल गया, और गूगल मैप में ढूंढता रहा, पता नहीं क्या क्या बताता रहा, मुझे समझ ही नहीं आया। तो हम चंबा शहर के थ्रू ही वापस जाएंगे। हम रुके हैं यहाँ पे मटर लेने के लिए। दिखाना मटर, मटर तो खा गई। ये मटर दिखा दो, यहाँ की लोकल मटर है देखो, और राज में मटर ऐसी जैसे चीनी पड़ी हुई, चीनी पड़ी हुई मटर, बहुत अच्छी मटर है। और राज में, और यहाँ की दाल स्पेशल। तो यहाँ हम रुके हैं, इधर यहाँ से आते हुए ये दिख गया ना, तो हमने रोई। क्या रेट है मटर यहाँ? 60 रुपये देना है। हम पहले ली थी हमने, देखो पहले और कलेक्ट किए। ये देखो ये 50 रुपए वाली थी, और ये नींबू देख लो साइज, बहुत बढ़िया। हमें एकदम से ये व्यू नजर आया ऋषिकेश का, वो शायद इसमें आ नहीं रहा होगा, बट वो है शायद लक्ष्मण झूला या राम झूला, ये ऋषिकेश है, वो गंगा जी जा रही है, और क्या बेहतरीन नज़ारा है। लेकिन फॉग है, थोड़ा सा धुंध है, तो यहाँ रोक के हमने सोचा चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं। सही आया? ना आपका फोन दे दो। नहीं नहीं हो गया, इसमें रिकॉर्ड हो गया। आई एम मच मोर स्मार्टर। ये पहिया देखो यार इसका कैसे, इसको पता ही नहीं है कि पहिया इसका ऐसे हिल रहा है। जय भोलेनाथ। वो देखो गंगा जी महाराज, तार निकाल दो उसका। वो है हर की पौड़ी, अभी हमें आगे जाना है, फिर यू टर्न मार के इधर आना। हम आ गए हर की पौड़ी, वो रही हर की पौड़ी उधर। ये बहाव देखो यार गंगा जी का, ये देख इतना तेज बहाव है, क्या गजब नजारा। हर हर गंगे। ये लो खाई है पूरी, एकदम भसड़ में खाई है पूरी। और क्या, इतनी भीड़ थी वहां पे, बट किसी तरह पूरी सब्जी खा ली। मोहन जी वो सामने दिखाई दे रहा होगा,
मोहन जी पूरी वाले और उनकी लस्सी, जहाँ वो लिखा है मोती वाला। और ये नज़ारा देख लो, आज है 7 फरवरी और मॉडरेट भीड़ कहूँगा इसको, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली अस्थि विसर्जन घाट है। ये है वो इधर भी है वो। बट हाँ, ये देखो पॉलिथीन वॉलिथीन डाल देते हैं, ये बड़ी गलत काम करते हैं। बहुत ही क्लियर वाटर है और ठंडा था एकदम, एकदम ठंडा ना। ये देखो ये ब्यूटीफुल नज़ारा है। बहुत ही 360 व्यू दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं, वापस चलते हैं पार्किंग में और चलते हैं घर को। ये दिख रहा है, सही लग रहा है ना? ओ भाई साहब, देखने के चक्कर में आ गया 10 मिनट में। तो हम निकल चुके हैं हरिद्वार से, अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स होम। हमने वहाँ खाई पूरी कचौड़ी, नहीं कचौड़ी नहीं, पूरी सब्जी और हलवा। लेकिन मुझे वो टेस्ट वैसा नहीं लगा, वो मोहन जी वाला जैसा पहले होता था वैसा नहीं था। अब ये छोले में डालने लगे हैं ना, पहले आलू की सब्जी होती है। मजा नहीं आया वैसे। दिख के फल, स्ट्रॉबेरी और अंगूर लेने वाले हैं। ये गई मैडम खरीदने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी फ्रूट्स खाने की इच्छा हो गई है हम लोग की। देखते हैं अच्छे अच्छे मिल रहे हैं। पूछ रही है अमरूद, हाँ ले लो ले लो। हम यहाँ क्यों रुके हैं आप सोचिए, क्योंकि हैं क्योंकि वो दिख रहा है पीछे, वो छोले कुलचे वाला है। क्योंकि कर रहे जा रहा हूँ, वो देखो बना रहा है छोले कुलचे, वो बना रहा है वो देख। अरे इसमें क्या हो गया, छोले कुलचे तो हैं, वो देखो। हम लोग BMW में बैठ के छोले कुलचे खाएंगे। क्यों? BMW वाले के पेट नहीं होते, भूख नहीं लगती है? हाँ लगती तो है, मगर छोले कुलचे ऐसे नहीं खाते। चलो ठीक है खाओ। छोला नहीं, सॉरी, ये छोला ये कुलचा कैसा है? तो गिरने वाला है। अरे यार, वो कहाँ गया हमारा प्लेट वाला? हो गया? 30 के है। नहीं, 100 रुपए कहाँ है? अरे ये दिया है नीचे रख। अच्छा अच्छा अच्छा, ले लो ले लो ले लो। अब तुमने 40 बोला, अब तुम 40 में ले लो ले लो ले, जाओ जाओ जाओ, लो पकड़ो बेटा, रख ले बेटा, रख लो रख लो रख लो बेटा। सुन सुनो, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है? अमित। तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, बहुत सही हो। हाँ लेकिन तुमने 40 बोल दिया बेटा, 40 ले लो, ठीक? अरे नहीं। ले लो ले लो। 30 रुपए का है, तुमने 40 बोल दिया था ना? अरे नहीं, अच्छा ठीक है, करता हूँ, बटर नहीं है। अच्छा ठीक है, जाओ। अरे नहीं, ले लो ले लो, पॉपकॉर्न खा लो, पॉपकॉर्न खा लो, चलो हमारी तरफ से। ए वाइल मत करना। हाँ नहीं 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 बेटा, तू बहुत ईमानदार है। चुके हैं वापस लखनऊ और इस वीडियो को करते हैं बंद। ये एक बहुत ही मज़ेदार एक क्या वेकेशन ख़त्म हुई। जब ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट होती है। इसी के साथ मैं लेता हूँ